नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत है। रीट लेवल 2 को लेकर के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का बड़ा बयान, नियुक्ति इसी माह में। पूरी खबर जानने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर लो यार, अब तो सब्सक्राइब करें बाबू चौधरी चैनल को और दबाइए इस घंटी के आइकन को, ताकि हमारे नए वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जैसे कि फ्रेंड्स आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कल की एक ऑफिशियल न्यूज निकल के आई, जिसमें बताया गया जयपुर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने की बड़ी घोषणा, तृतीय श्रेणी शिक्षकों को नियुक्ति इसी माह है। आचार संहिता के चलते लेवल 2 शिक्षकों की नियुक्ति अटकने से जुड़ी खबर। डोटासरा ने कहा, नियुक्तियां देने में कोई अड़चन नहीं आएगी, आयोग से हम नियमानुसार ले लेंगे अनुमति। इससे पहले रीट लेवल 2 को लेकर के कयास लगाए जा रहे थे कि आचार संहिता के कारण से अब नियुक्ति नहीं दी जाएगी, तो इन सभी क्वेश्चंस को विराम दिया कल शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि हम आयोग से अनुमति लेकर के रीट लेवल 2 में जो भी अभ्यर्थी हैं उनको ज्वाइनिंग देने में कोई कोताही नहीं बरतेंगे, उनको इसी माह में ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी रीट लेवल 2 से जुड़े हुए हैं तो आपको घबराने की कोई टेंशन नहीं है। हमने पहले भी हमारे वीडियो में बताया था आपको, और फिर बता रहे हैं कि ये बिल्कुल स्पष्ट और सही बात है कि आपको नियुक्ति मार्च महीने के अंत तक दे दी जाएगी। इसके अलावा हम माननीय शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने रीट की जो भर्ती अटकी हुई थी, चाहे वो रीट लेवल 1 हो चाहे वो रीट लेवल 2 हो, उनको निकालने में पूरा योगदान शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का है। उन्होंने बेरोजगारों के हित में जो फैसले लिए हैं उनको लेकर हम भी उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, जिससे कि आप भी आभार प्रकट कर सकें शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का। इसके अलावा मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेन यादव को भी, जिन्होंने शुरू से ही मेहनत करके रीट की भर्ती जो एकदम से अटक गई थी, चाहे रीट लेवल 1 हो चाहे रीट लेवल 2 हो, उनको आगे चलाया। इसके अलावा अगर आप रीट लेवल 2 में थोड़े नंबरों से भी वंचित रह गए हैं तो हो सकता है एक बार फिर एक वेटिंग लिस्ट आए, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपके साथ लेटेस्ट न्यूज़ लेटेस्ट अपडेट राजस्थान रोजगार से जुड़ी हुई। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। डोंट फॉरगेट लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।